दोस्तों आजकल 15,000 के नीचे इतने अच्छे 5G फोन्स नहीं मिलते। जी हाँ, बहुत सारे फोन्स लॉन्च होते हैं 20,000, 25,000, 30,000 की प्राइस रेंज में, बट अंडर 15,000 जो है देयर इज अ लकुना, ज्यादा फोन्स नहीं है। और उधर आ गए दोस्तों वो गैप कंप्लीट करने के लिए इन्फिनिक्स नोट 30 5G। जी हाँ, अगर बॉक्स के ऊपर देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर है, 45 वॉट ऑल राउंड फास्ट चार्ज, 16 GB रैम, बट दैट इज 8+8 ऑब्वियसली, एंड 256 GB स्टोरेज, 108 MP कैमरा, JBL ट्यून स्पीकर्स। ओ माई गॉड, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब बॉक्स खोलेंगे, देखेंगे कैसा है इन्फिनिक्स नोट 35G। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि एक नए चिपसेट पे आता है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, नॉट बैड, ओके। इन्फिनिक्स 45 वॉट चार्जर है, यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल आती है, द हम्बल सिम कार्ड टूल, जी हां सिम कार्ड टूल आता है, एंड यू हैव द केस जो टीपीयू केस नहीं, इट्स अ हार्ड केस, वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, यूजुअली बॉक्स के अंदर आपको इन्फिनिक्स के फोन्स में जो स्क्रैच गार्ड मिलता है वही आपको इसमें भी मिलता है, नॉट बैड एट ऑल। And then you have documentation. Ooh, look at that. Very nice case. और पीछे JBL लिखा हुआ है दोस्तों, JBL tune. So, इतना सब कुछ 15,000 में, चलिए let's keep this aside. Phone के पास देखते हैं, मैंने phone भी side में रख दिया. Oh my God. All right. Oh my God. इधर भी वही लिखा हुआ है सब जो box के ऊपर था. That camera module is huge. Oh, nice looking phone. Overall, थोड़ा बड़ा है. मतलब that camera module is like 25% of the entire back. Look at that. वैसे दोस्तों ये जो है ये black color है, इसमें gold and blue colors भी आते हैं. Yes. Flat sides है. It's a hefty phone. हाथ में लोगे ना hefty लगता है. See. Seriously, वेट के बारे में बात करूं, बड़ा फोन होने के बावजूद इतना ही लगता है, बट आई थिंक अगेन इट विल बी क्लोजर टू 200 ग्राम्स, देखते हैं, आई एम नॉट श्योर, 197 ऑलराइट, 198 ग्राम, 207.8 ग्राम्स, सो कुछ 10 ग्राम से मैं दूर था, बट लगता नहीं है दोस्तों, दिस डज नॉट, इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है सही में अच्छा है। केस डाल के देखते हैं, स्नगली फिट होता है एंड वेरी नाइस। जी हाँ, केस बॉक्स के अंदर आती है तो जरूर लगाइएगा, जैसे मैंने कहा बड़ा फोन है। दोस्तों पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे स्पीकर ग्रिल आता है, यूएसबी टाइप सी है, 3.5 mm जैक है, माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे मिलता है, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, नॉट बैड। और ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है साउंड बाय JBL, तो JBL ट्यून स्पीकर है एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर है, दैट इज गुड। ऑन द राइट हैंड साइड वॉल्यूम रॉकर है ऊपर की तरफ, एंड पावर ऑन ऑफ बटन है जो फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, सो एंड ऑब्वियसली फ्लैट साइड है, प्लास्टिक बैक, वैसे गिरा के देखना है। इसके ऊपर एनर्जी ग्लास का प्रोटेक्शन आता है, सो ग्लास इज एनर्जी, लेट्स सी प्रोटेक्शन, यस और नो, हम गिराने तो जरूर वाले हैं, 1, 2, 3, कुछ नहीं, पीछे प्लास्टिक है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, 1, 2, 3, साइड से गिर गया, एब्सोल्युटली नथिंग। सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करें दोस्तों, तो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट आता है दोस्तों, क्योंकि इस तरफ आप दो नैनो सिम कार्ड डाल सकते हो एंड देन 1 SD कार्ड, सो नॉट बैड एक्सपेंशन स्लॉट है, सो 256 GB अगर आपको इनफ नहीं होगा देन ऑल्सो यू कैन पुट एक्स्ट्रा SD कार्ड। ऑलराइट, इंप्रेसिव, बाहर से तो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लेट्स सी फ्रॉम इनसाइड, स्टार्ट करते हैं। वैसे जब तक ये स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, जी हाँ, अगर हमारी ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इफ दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू फोन अराउंड 15,000। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 580 निट्स ब्राइटनेस है। वैसे डिस्प्ले जो है दोस्तों, दैट इज 6.78 इंच का FHD+LTPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है एंड 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट भी है, सो डिस्प्ले के मामले में इट इज क्वाइट गुड। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, इसमें नोट 20 पहले नहीं आया हुआ था, नोट 12 आया था, इन्फिनिक्स नोट 12, इसमें LTPS डिस्प्ले है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी जो इसके अंदर है, और वो मैं बताने वाला हूं आपको। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है Dimensity 6080 इस नए प्रोसेसर के ऊपर। जी हाँ, अगेन मैं कहूंगा अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो ये Dimensity 700 या 800 जो था दोस्तों, उसका ये अपग्रेड मैं कहूंगा, ऑल्दो नेमिंग कन्वेंशन 6080 कहां से आया वो मुझे पता नहीं। और हाँ, इसमें दो वेरिएंट आते हैं दोस्तों, बेस वेरिएंट 4128 का है और ये ऊपर वाला वेरिएंट है 8256 का, लेकिन दोनों में सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आपको 4 GB एक्स्ट्रा रैम मिल रही है, आपको 128 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल रहा है ओनली फॉर 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा। इसकी जो प्राइस है दैट इज 15,999, बट एक्सिस बैंक के साथ ऑफर्स वगैरह व्हिच मेक्स इट 14,999, मतलब 15,000 इफेक्टिव प्राइस जो है 15,000 के नीचे। वैसे ही दोस्तों 4128 वेरिएंट लोगे तो आपको 13,999 में मिलेगी। वैसे रैम टाइप के बारे में बात करूं तो LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, 5000 mAh की बैटरी है। और इधर मैं एक दो इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा, 45 वॉट चार्जिंग है, अगेन 15,000 के नीचे जनरली स्टैंडर्ड है 33 वॉट ज्यादा से ज्यादा, बट दिस वन गिव्स 45 वॉट, तो वो अच्छी बात है। और एक चीज दोस्तों, 30 मिनट्स में 75% फ्रॉम 0 to 75% हो जाता है, सो फास्ट चार्जिंग इज वेरी गुड। वैसे वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्टेड है विद 10 वॉट। और एक बात दोस्तों,
पावर डिलीवरी फोन सपोर्ट करता है, मतलब पीडी चार्जर अगर आप इस्तेमाल किया तो फास्ट चार्ज ये होगा। वैसे अडैप्टर जो है दैट इज नॉट पीडी चार्ज। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ऑन पेपर अंतुतु स्कोर जो है 4,05,000 4,10,000 के करीब आता है, ओवर 4,00,000 स्कोर आता है, विच आई विल से फॉर अ 15,000 रुपी फोन इज वेरी वेरी डिसेंट। इवन गेमिंग में लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आप सीओडी मोबाइल वगैरह खेलो दोस्तों, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, मक्खन कैसे चलेगा। हाँ, अगर हाई सेटिंग्स पे आपने गेम्स खेले तो शायद थोड़े से आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिखेंगे, बट मीडियम सेटिंग्स में खेलिए एंड यू विल एंजॉय। वैसे गेमिंग के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप बिंज गेमिंग कर रहे हो दोस्तों, तो ये जब आप चार्ज करते हो और बैटरी समझो कम हो गई, तो ये बाईपास चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसका मतलब जब आप चार्जिंग पे रखोगे तो डायरेक्टली मदरबोर्ड को पावर जाएगा, इट विल नॉट गो थ्रू बैटरी, तो बैटरी आपकी डिप्लीट नहीं होगी, कम नहीं होगी। सो यहाँ बाईपास चार्जिंग जनरली दोस्तों आपको फ्लैगशिप लेवल गेमिंग फोन्स में वगैरह में वो फीचर मिलता है, इसमें वो फीचर आता है। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 14 5G बैंड का सपोर्ट है, सो दैट इज ग्रेट। सभी बैंड्स 5G बैंड्स आपको मिलते हैं, डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है, NFC इज ऑल्सो देयर, NFC भी है इसके अंदर, सो वाओ नाइस। और कनेक्टिविटी में दोस्तों सुपर सिग्नल टेक्नोलॉजी नाम की चीज आती है, जो बेसिकली आपकी जो बैटरी है, इवन इफ यू आर कनेक्टेड टू 5G, आपकी बैटरी कम इस्तेमाल होती है, सो इट बिकम्स मोर एफिशिएंट। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड फेस अनलॉक भी आता है एंड दे वर्क वेल, सो दैट इज देयर। दोस्तों OS वेरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ, ये बजट सीरीज का फोन है, ब्लोटवेयर्स आर एक्सपेक्टेड एंड दे आर देयर, तो अनइंस्टॉल आप कर पाओगे बट ब्लोटवेयर्स जो है वो आते हैं। एंड्रॉइड 13 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और इन्फिनिक्स का खुद का XOS 13 मिलता है। अपडेट्स के बारे में बात करूं तो उन्होंने कहा है कि एक मेजर अपडेट देंगे वो, एंड्रॉइड 14 आएगा एंड 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोस्तों ये बड़ा फोन है विद बिग डिस्प्ले एंड विद बिग साउंड, जी हां, JBL साउंड, साउंड बाय JBL ये सब जगह पे, एंड हमने प्ले करके देखा, मल्टीमीडिया में बहुत मजा आएगा दोस्तों आपको। हां, एमोलेड होता तो और अच्छा होता, बट स्टिल इवन दिस LTPS डिस्प्ले इज क्वाइट गुड, बट द स्टैंड आउट थिंग इज दैट JBL साउंड लाउड है एंड क्वालिटी भी क्लियर है, मल्टीमीडिया के लिए यू आर गोइंग टू एंजॉय। और हां, वाइड वाइन L1 है, इसका मतलब HD स्ट्रीमिंग वगैरह कर पाओगे, सो नो प्रॉब्लम्स। हाँ, HDR वगैरह नहीं, ऑब्वियसली नॉट दैट। अब दोस्तों बढ़ते हैं बड़े से कैमरा मॉड्यूल की तरफ। जी हाँ, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, बाकी के 2 सेंसर्स हैं दोस्तों नीचे की तरफ, वो 1-2 मेगापिक्सल का AI है, तीसरा भी जो है वो भी AI ही सेंसर है, वी डोंट नो द मेगापिक्सल। एंड आगे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। वीडियोग्राफी में 2K आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको 2K 30fps मिलता है एंड 1080p एट 60fps। बहुत सारे फोटोज हमने अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए दोस्तों, स्टोर किया हुआ है जी ड्राइव के ऊपर, जरूर जाके देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 108 मेगापिक्सल का जो सेंसर है नॉर्मल कंडीशंस में अच्छे फोटोज निकालता है, बाकी सब फोटोज हैं, आप जाके देखिए, आपको ये फोटोज कैसे लगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, हाँ है फीचर्स अच्छे, फिल्म मोड आता है, डुअल व्यू मोड आता है, इसका मतलब आगे का और पीछे का कैमरा एक ही समय आप इस्तेमाल कर पाओगे, एंड सुपर नाइट मोड भी है इसके अंदर, या लो लाइट में फोटोज निकालने के लिए, उसके भी फोटोज लिए हुए हैं, जी ड्राइव जरूर जाके देखिएगा बिफोर बाइंग दिस फोन। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों, इसमें स्काई रीमैपिंग आता है, इसका मतलब अगर आपने फोटो निकाला हुआ है पीछे की तरफ स्काई है सब्जेक्ट के पीछे, तो आप उसे रीमैप कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। उतना ही नहीं, आगे जो सेल्फी सेंसर है दोस्तों, उससे आप बोके वीडियो भी निकाल पाओगे। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स FM रेडियो आजकल निकाल देते हैं, बट आ गया है गवर्नमेंट का अब तो रूल आया दोस्तों कि सभी फोन्स में जिसमें एंटेना है उसमें FM रेडियो आना चाहिए, इसके अंदर है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, IP53 का सर्टिफिकेशन है, अगेन 15,000 के नीचे जनरली IP सर्टिफिकेशन नहीं आता है, बट वो इसके अंदर है। कैमरा 2 API का सपोर्ट भी आता है, तो गूगल कैम इस्तेमाल करके अच्छे फोटोज निकाल सकते हो। यस, दिस इज व्हाट इन्फिनिक्स नोट 30 इज। जी हाँ, जैसे मैंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो दोस्तों, इट पंचेस अबाउ इट्स वेट, 15,000 के नीचे इतने अच्छे फोन्स नहीं है, और ये शायद वो जगह भरने की कोशिश कर रहा है। एक तो आपको 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज मिल रहा है, हाँ 8GB वर्चुअल रैम है, ऐसे 16GB उन्होंने बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, बट 8GB रैम है, विच अगेन इज गुड, स्टोरेज भी 256GB इज वेरी गुड। व्हाट्स रियली स्टैंड्स आउट, इसका जो ऑडियो है, JBL ट्यून जो डुअल स्पीकर्स है दोस्तों, सही में अच्छे हैं। इवन परफॉर्मेंस वाइज इट इज क्वाइट गुड, 6080 जो प्रोसेसर है, 700-800 का सक्सेसर है एंड परफॉर्म्स क्वाइट वेल। अगर कॉन्स के बारे में बात करूं, ऐसे ज्यादा कुछ बड़े कॉन्स नहीं है, बट हाँ जैसे मैंने कहा ब्लोटवेयर्स आते हैं एंड XOS इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, यस दैट्स व्हाट इट इज। अदर देन दैट हार्डवेयर वाइज वेरी गुड, मतलब इन्फिनिक्स जनरली ऐसे फोन्स लॉन्च करता है एंड नोट 30 इज नो डिफरेंट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।